आपने अक्सर वाकयात सुने हैं, क्योंकि इन वाकयात में कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं और कोई मार्फत का सजदा करने के लिए तैयार। मौला हुसैन ने जनाबे सुगरा सलामुल्लाह अलैह को मदीने क्यों छोड़ा था? इसमें एक जवाब आपको मिंबर से दिया गया कि उस बीबी की शक्ल जो है वो सैयदा से मिलती थी। अच्छा, जिसकी शक्ल मिलती थी उसे छोड़ दिया, और जो हूबहू फातिमा थी। इसका मतलब है कि ये दलील वजनी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। कोई और दलील लेके आओ। जब कोई दलील ना मिले तो आओ फिर अरब की किताबों से रुजू करें। क्या कहने, वाह वाह। मौला इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को मदीने छोड़ा और छोड़ते हुए कहा, फातिमा मैं मदीने में तुम्हें हुज्जत के इख्तियार देके जा रहा हूं। मदीना मरकज है, कोई दीन पे इलम पूछने के लिए अपनी मर्जी से तुम दीन पे फतवा दे सकती हो। यही वजह है जो आपको जाकर एक मजमून सुनाते हैं, वो मजमून ठीक है लेकिन उसकी तरतीब गलत है। कि ऐन 10 मुहर्रम को एक कासिद आया था, कासिद का आना किताब में मिलता है, लेकिन वो खत किया था वो तुम्हें सुनाया ही नहीं गया। बीबी ने असर के वक्त हुसैन के पास खत भेज दिया था, पता था क्या वो हुज्जत जमाने से जुदा होने लगी है। बीबी ने बताया, पापा तेरी दी हुई जिम्मेदारी से मैंने 1000 दीन में फतवा दे दिया है। मौला हुसैन ने अपने लहू के साथ जो बेटी को खत लिखा उसका पहला जुमला था, अस्सलाम अलैके या फकीया अहले बैत, अहले बैत की फकीया, तुझसे मेरा सलाम। कितना वजन होता है ये भी मैं कुरान से बता देता हूं कि इमामत का वजन कितना होता है। खुदा का अलम नशरा लक सदरक, मेरा हबीब हमने तेरे सीने को खोल ले दिया। वफ़ाना वज़रक, और जो तेरी पुश्त पे बोझ था हमने उठा नहीं लिया। जिस बोझ ने तेरी कमर को झुकाया हुआ था वो वजन हमने उठा नहीं लिया। हमने अली की विलायत तुम्हें कह नहीं दिया कि पहुंचा, यही बोझ हम तो कुछ में ला के फिर रहा था। और याद रखना, हुज्जत का वजन, हुज्जत का वजन, सिवाय हुज्जत के कोई उठा ही नहीं सकता। क्या तुमने फताए मक्का पे नबी के कांधों पे अली को नहीं देखा? तो ये तो हो सकता है किसी जिंदा को कत्ल करने के लिए अली को भेजा गया, बुतों को तोड़ने के लिए तो कोई आम हाथ भी साबित हो सकता था। बुतों को तोड़ने के लिए भी अली का इंतखाब। यहां पर अक्सर एक गलत जुमला पढ़ा जाता है कि फरमाया कि वो तोड़े जिसने कभी सजदा ना किया हो। नहीं, इसके लिए अली को नहीं उठाया कि इसने कभी माज़ल्ला बुत को सजदा नहीं किया, तो ये और ना नबी ने अपनी मर्जी से कांधों को झुकाया। खुदा ने कहा अपने कांधों को, अपने शानों को झुका। अली को अपने कांधों पे ले गया, हुज्जत का बोझ था, नबुवत ने उठाना था, नबी ने कांधों पे अली को उठाया। यहां फिर एक गलत जुमला बोला जाता है कि नबी ने पूछा अली कहां तक पहुंचे, तो अली ने कहा कि पांव नबूवत में है और हाथ आसमान पे। वो कौन सा आसमान था जो अली के ऊपर था? मुझे तो बताओ ना, मुझे उस आसमान का नाम तो बताओ, वो कौन सा आसमान था जो अली के ऊपर था? अली तो अर्श पे पांव रख के मोहम्मद के कांधे पे गया था। अली ने ये नहीं कहा था कि पांव नबूवत में है, इधर बंदों से मिला था।
یہ واحد رستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ سے ملنے کے واحد رستے کو علی کہتے ہیں. خطرناک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. نبی بھی اللہ کو ملے تو رستے میں علی ہوتا ہے. جب نبی اللہ تک بغیر علی کے نہیں جاتا تو تم اللہ تک بغیر علی کے کیسے جاتا؟ اللہ تک جانے کا ہی رس اللہ تک جانے کا ایک ہی رس. صاحبان عزت اسے علی اتنا بہترین آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ یوں سینے سے باتیں نکلتی چلی جاتی. جو کبھی بھی ممبر سے بیان کرنے کو جی نہیں چاہا آج وہ بھی جی چاہ رہا. قرآن میں ڈاکٹر صاحب ایک آیت ہے, خدا کہتا کہ میں نے قرآن کے اندر ایک کتاب کو چھپایا ہوا ہے, کتاب مکنون جسے کہتے ہیں. لا یم شاغل المطاہرون, اسے سوائے متاہروں کے کوئی نہیں چھو سکے. طاہروں کے نہیں, طاہر وہ ہوتا ہے جو پاک ہو, طاہر وہ ہوتا ہے جو پاک کرے. یہ طاہر کا مصدر ہے, یہ پاک کرتا ہے, یہ مضاف ہے, یہ پاک کرے. خدا کہتا ہے کہ میں نے قرآن کے اندر ایک کتاب کو چھپایا ہوا. آج تک اس آیت کی تفسیر میں مولوی گونگے ہو گئے, بتاتے ہی نہیں کہ وہ قرآن کے اندر چھپی ہوئی کتاب کو. کریں کہ اگر اتنے صاحب عرفان بیٹھے ہیں تو پھر کسی مولوی سے نہیں پوچھتے جسے مولا نے اپنا شاگرد کہا ہے اور اس کے سینے پہ منہ اہل بیت کا تمغہ لگایا ہے. اس سلمان محمدی کی زبان سے پوچھتے ہیں کہ کتاب مکنون کیا ہے. دو صحابی مدینہ مسجد میں بیٹھے آپس میں اس آیت کی تفسیر پہ بحث کر رہے تھے کہ اس آیت کی تفسیر ہم تک پہنچی کیوں نہیں, یہ کتاب مکنون کیا ہے. ابھی وہ آپس میں بات کر رہے تھے, قریب سے سلمان گزرے, دوسرے کا اسے بلا, یہ علی کا شاگرد ہے, ضرور اس کے پاس اس آیت کی تفسیر ہو. اسے وحید وادی سلمان, سلمان نے اونچی چہرہ پھیرا, سلمان اس آیت کی تفسیر کا تمہیں پتا ہے کہ قرآن کے اندر کون سی کتاب چھپی ہے؟ زندگی قربان کروں سلمان تیری جوتی کی نوک پہ. سلمان نے یوں کی طرف پھیر کے منہ چہرہ ان کی طرف کر کے کہا, سناؤں یا دکھاؤں؟ فوراً خیال آیا کہ اگر سلمان کہتا دکھائے تو ابھی یہ قرآن کھولے گا اور قرآن کی کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے گا, یہ ہے وہ آیت جسے اللہ نے کتاب میں مکنون کہا ہے, یہ ہے وہ سورت جسے اللہ نے کتاب میں مکنون کہا ہے. سلمان نے قرآن نہیں کھولا, سلمان مسجد سے باہر نکلا اور اگر سلمان ہم نے تجھے کہا تھا کتاب میں مکنون دکھا تو وہاں جا رہا ہے. سلمان کا میرے پیچھے چلتے ہو ساتھ ہی پیچھے پیچھے چلتے آئے. سلمان اپنی چھوٹی ہوئی نظروں سے سرات مسلمین کا تعین کرتا کرنا دہلی سے سیدہ پہ دہلی سے سیدہ پہ اگر چہرہ کا چہرہ کرے, یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ متعلق وہ فرامین ہیں جو اس نوکر کے سینے میں بھی, ستر مختلف فرامین. سلمان بیٹھتے ہی دہلیز پہ تھے, نوکری دہلیز پہ تھی, لوگوں کو صرف دہلیز کا عرفان سکھاتے تھے. کسی مدرسے کا ڈگری ہولڈر نہیں تھا سلمان, معرفت کے درجوں پہ فائز تھے, دہلیز پہ بیٹھ جاتے. اور ستر تک تو جو میں نے کلیکٹ کیے جو مجھ تک پہنچے, ان ستر میں ایک جواب بھی دوسرے سے نہیں ملتا.
मुझे इन जवाबों से लगता है कि सलमान बंदा देख के जवाब देता है। जैसा साहिल होता था सलमान वैसा जवाब दे देता। बहुत से सलमान के जवाब मैंने दहलीज के मुतल्लक मिंबर की दुनिया से पढ़े, कभी सिदरतुल मुंतहा कहा, कभी काबाए कौसैन कहा। इतना प्यारा आपने सुना है कि ये सलमान का जवाब मैं बिल्कुल अमानतन आप तक पहुंचाने लगा। जब सलमान एक दिन दहली से बैठे और एक शख्स पूछ रहा, उसने कहा सलमान ये क्या है? सलमान ने देखा कि इसकी मारफत अच्छी है। सलमान का बैठ, मैं तुझे बताऊं ये क्या है। सलमान का ये हाथ है। कोशिश करता हूं कि हर जगह दुनिया के किसी खित्ते में जाऊं, इनके घर की जो हकीकत है इरफान की वो सीनों तक पहुंच सके। लेकिन बात बातें मुझे, मैं बावजूद और मेंबर की इज्जत कसम खा कहता हूं, बात बातें ऐसी हैं जो अपने अंदर खुद ही तन्हाई में बैठ के खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही अपने आप को वाह वाह, खुद ही लुत्फ, खुद ही वाह वाह। कई बार सोचते हैं कोई ऐसा मजमा हो जहां ये बात करे, नहीं नहीं कोई मजमा नहीं होगा, नहीं नहीं लोग फतवे लगा देंगे, लोग पागल कह देंगे, बजाय दांत के पत्थर आने शुरू हो जाएंगे, फिर खुद ही मजा लेंगे, खुद ही बंद कर देते हैं। आज उनमें से एक राज में निकालने लगा खुल के पढ़ने का वक्त मिलेगा। चार मदरसे हैं, खुल खुल के आपको रास पढ़ते हैं। इन मदरसों में साबित करके जाऊंगा कि फिजा जन्नत की मालिका है, मलकियत है फिजा के पास जन्नत की। बड़े राज हैं, बड़े राज हैं, बड़े राज हैं। आज तक यही सुनाएगा। अब मैं राज बाद में पढ़ूंगा, मैं उसकी एक दलील दे देता हूँ। मौला अमीरुल मोमिनीन कूफे की मस्जिद में थे, ये वाकया बड़ा मशहूर है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा देते देते अपना हाथ उठाया, हाथ उठा के अंगूठे शहादत को यूं तीन दफा चक्कर दिया और हाथ जानों पे रख दिया, खुतबा मुकम्मल किया। जब खुतबा मुकम्मल हुआ तो अब अजहर ने पूछा जाके, मौला ये आज क्या, ये उठा के अंगूठे शहादत का घुमाना ये क्या था? फिर मैं अब अजहर
कायनात में रिस्क बांटने का वक्त था तो मैंने रिस्क बांटा था। ये इतना मशहूर वाक्य है कि आपने मिंबर की तारीख में पहले भी सुना है। मुझे यहां तक नहीं आपको रोकना, मुझे आगे लेके जाना है। मौला अमीरुल मोमिनीन आप आंख का इशारा भी करते, रिस्क बढ़ जाना था। ये आपने ये इशारा क्यों दिया? ये साहिबा ने इशारा के लिए था। अली बता रहे थे कि कायनात का निजाम हम ऐसे चलाते हैं। जब से मैंने अली की वो घूमती हुई उंगली देखी है ना, अब मुझे पता चला है कि सैयदा चक्की क्यों चलाती है। आज के मौसम की खराबी की वजह से मैं खुद लेट, कल से ठीक 8 बजे इंशाल्लाह ठीक 8 बजे मैं मिंबर के मुसल्ले पे आ जाऊंगा। कोशिश कीजिएगा कि बर वक्त पहुंचे ताकि एक मुकम्मल मजलिस जो है वो आपकी समातों को हदिया की जा सके। अभी क्योंकि इस्लामाबाद जी 62 और पिंडी जाके एक हाजिरी देनी है, लिहाजा आज यहीं तक अपनी गुफ्तगू को आज की हद तक रोकते हैं और इंशाल्लाह आने वाले 4 दिनों में कोशिश करूंगा कि वो राज आपके सामने पढ़े जाएं जो अभी तक छुपाए गए हैं। इस घर की हकीकत जमाने को बताई जा सके। अली की बेटी जब बाजार में गई थी, शाम के बाजार में जाने में क्या राज था। ये दिन मंसूब और मखसूस है आज की रात और कल की जो रात गुजर गई शहजादी के दर्दों के साथ। शहादत मुकम्मल न पढ़ी जा सकेगी न सुनी जा सकेगी। मैं खुद भी गैर सैयद हूँ, मैं इज्तनाब किया करता हूँ कि सैयदादियों की शहादतें मुझसे ना पढ़ी जाए। उस सैयद हो तो वो बताए कितनी जख्मी थी ये कुरान की आयत। इब्तदा करते हैं सरकार, यकम शबान है, अली के घर में आलिया का नजूल हो चुका। अली के घर में शहजादी आ गई, सैयदा मुसल्ले पे थी जब गोद में बेटी गई। सैयदा ने बेटी को हाथों में लिया, शहजादी ने सैयदा का चेहरा देखा तो आलिया ने आंखें नहीं खोली। अली मस्जिद में थे, रवायत कहती है कि अली मस्जिद से इतनी तेजी से दौड़े कि उम्मे ऐमन और फिजा कहती हैं कि उस दिन हमें अली के चलने का अंदाज डरा रहा था। अली की आवाज़ ज़मीन पे खत कर रही थी और अली घर के सहन में दौड़ते हुए आ रहे थे और कह रहे थे जहरा कहाँ है, जहरा कहाँ है। फरमाया मालिक सैयदा हुजरे में है। अली हुजरे में गए और यूँ अपनी मुठियों को यूँ बंद कर रहे थे। उम्मे ऐमन कहती अली और कह रहे थे जहरा जल्दी कर मेरी अमानत मुझे, जल्दी कर मेरी अमानत मुझे दे। जनाब सैयदा ने चादर ततहीर से एक दिन की ज़ैनब को उठाया और उठा के यूं अली के हाथों में रखते हुए सैयदा ज़हरा की आंखों में आंसू हुए। अली के वाले साहब तो क्यों रो रही है? फरमाया मौला जब से मेरी गोद में नाजिल हुई है आंखें नहीं खोल रही। किताब के जुमले पढ़ने लगा हूं। मौला अमीरुल मोमिनीन ने अरब किताब कहती है कि यूं सैयदा को उठाया। अली ने उठा के माथा चूमा, माथा चूम के कहा या बिनती उक्सुब सारिकुम अना अली, बेटा आंखें खोल मैं तेरा बाबा अली हूं। आलिया की आंखें बंद रही। जब आलिया की आंखें बंद रही अली जहरा को देख के रोना शुरू हो गए। हसन दौड़ता हुआ आया, बाबा क्या हुआ? फरमा बहन दुनिया में आई है आंखें नहीं खोल रही। हसन ने जल्दी से हाथों में लिया जैसे कारी कुरान छुपाता है। घर के कोने में जाके हसन की आवाज आई मेरे कहने पे खोल दे, मैंने ज्यादा देर जिंदा भी नहीं रहना, मैं तेरा भाई हसन हूँ। हसन कहता रहा, आलिया ने आंखें नहीं खोली। जहरा मुसल्ले पे रो रही थी, अली रो रहे थे, हसन रो रहे थे। यह करबला का गरीब आ गया। हाथों पे लिया, हाथों पे
देखा, तू बहन का कत्ल देख। मैं मिंबर पे और मेरे कान में आके परवेज भाई ने कहा कि आलिया की शहादत पढ़े। मैं मिन्नत करके पूछा मुझे बताएं, मैं पढ़ देता हूं, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि मैं अली की बेटी का कौन सा कत्ल पढ़ूं। अली के बेटे एक एक बार कत्ल हुए, ये अली की बेटी कई बार कत्ल हुई, मैं कौन सा कत्ल पढ़ूं। जब मदीने से निकली वो कत्ल, जब मां की कब्र छोड़ी वो कत्ल, जब मक्के में हराम तोड़े गए वो कत्ल, जब खैमे दरिया से हटाए वो कत्ल। चलो मैं पहली मुसीबत का एक जुमला अगर तुमसे बर्दाश्त हुआ उसे आगे मैं दो सतरे पढ़ दूंगा, वरना इसके बाद ना पढ़ा जा सकता ना सुना जा सकता। मैं गैर सैयद हूं, अगर कोई सादात बैठा है ये मैं मिंबर से हाथ बांध रहा हूं, तुम्हें इसी आलिया के पर्दे का वास्ता, सैयद मुझे माफ भी कर देना और दिल से इजाजत भी दे देना कि हम तुझे इजाजत देते हैं कि तू पढ़ अली की बेटी का पहला कत्ल। मैं अली की बेटी का पहला कत्ल सैयदों से माफी मांग के पढ़ने लगा और पर्दे में बैठे अपने वारस से माफी मांग के पढ़ने लगा। शहादत की शब है बीबी की, ये आज का दिन शहादत का था। आज बीबी का दर्द नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। मलाउन का दरबार सजा हुआ था, कातल आके मर्जी के अनाम ले रहे थे। दुआ करना मैं ये रवायत पढ़ सकूं और तो बर्दाश्त कर सकूं। कातल बारी बारी आ रहे थे, अपना अपना जुल्म बताते थे, मर्जी का अनाम लेते थे। एक मलाउन आया, नाम उसका खौली था, ये आके खड़ा हुआ। इस मलाउन ने कहा तूने क्या किया है, मेरा बादशाह मुझे ताकत दे मैं जुमला पढ़ सकूं। जब इस मलाउन ने कहा बता तूने क्या किया है, ये कुत्ता कहका मार के था मैंने ज़ैनब की चादर उतारी, मैंने अली की बेटी की चादर उतारी थी। इसने चादर उतारने का जुमला कहा, अब्बास का सर कांपना शुरू हुआ, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, सज्जाद का लहू तेज। मैंने कहा कोशिश करना ये रवायत सुन सको, इस रवायत के बाद मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। सज्जाद का लहू तेज हुआ, जब सज्जाद की आंखों का लहू तेज हुआ सर कांपने शुरू हुए। इस मलाउन यजीद ने, इसने दरबार का माहौल देखा, इसने कहा इस बात से इन्हें तकलीफ हुई है, मुझे पूरी बात सुना कैसे उतारी थी।